सो गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स बिके एंड बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे लखपति बन गए, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे करोड़पति बन गए एंड यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे सोल तक नहीं हुए। इसमें मैं आपको अनसोल प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ, आखिर कौन से बड़े प्लेयर्स यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में अनसोल्ड हुए। तो दोस्तों, वीडियो नाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बिना देरी के एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिस्ट में टोटल 10 प्लेयर्स के ऐसे नाम रखे जो यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में अनसोल्ड हुए। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको रीजन नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला जहाँ पे आखिर क्या एक मेन रीजन था जिस वजह से यहाँ पे कोई भी टीम ने एक भी बिड नहीं लगाया एंड यहाँ पे अनसोल्ड हो गए, उस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर की। तो गाइस, सबसे पहले प्लेयर में नाम निकल के आता है मोहित चिल्लर का। जी हाँ दोस्तों, मोहित चिल्लर यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो गए। यहाँ पे किसी टीम्स ने भी इन पे बिड नहीं लगाया, चाहे वो पहले राउंड की हो या फिर आखिरी राउंड की हो। यहाँ पे सभी टीम्स चाहती थी कि यहाँ पे नहीं, हम इन पे बिड नहीं लगाएंगे एंड यहाँ पे फाइनली मोहित चिल्लर अनसोल्ड हो गए। लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम निकल के आता है विशाल माने का। जी हाँ दोस्तों, विशाल माने का प्रो कबड्डी सीजन 7 में अच्छा परफॉर्मेंस था, इतना भी खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे तभी भी उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लगभग बेस प्राइस के इतना तो इन पे बिड लग सकती थी, लेकिन यहाँ पे किसी टीम ने भी नहीं दिखा यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो गए। तीसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है सब्बीर बापू का। अब यहाँ पे सब्बीर बापू तो बहुत ही अच्छे रीडर है, लेकिन यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 7 में उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए एंड यहाँ पे सीजन 8 के ऑक्शन में सब्बीर बापू अनसोल्ड हो गए। चौथे प्लेयर में नाम निकल के आता है अनिल कुमार का। अनिल कुमार भी यहाँ पे अनसोल्ड हो गए, यहाँ पे किसी टीम ने भी इन पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड यहाँ पे पहले राउंड एंड साथ ही साथ लास्ट राउंड में भी यहाँ पे अनिल कुमार अनसोल्ड ही रहे। यहाँ पे दोस्तों, लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम निकल गया था रोहित बलियान का। अब यहाँ पे दोस्तों, रोहित बलियान का परफॉर्मेंस प्रो कबड्डी सीजन 7 में अच्छा नहीं था एंड इसी के कारण यहाँ पे कोई भी टीम इनको उस अमाउंट पे नहीं खरीदना चाहती थी एंड इसीलिए यहाँ पे रोहित बलियान भी अनसोल्ड हो गए। लिस्ट में छठवें प्लेयर में नाम निकल गया था जयदीप शर्मा का। अब यहाँ पे बहुत ही शॉकिंग नाम है कि जयदीप जैसा डिफेंडर यहाँ पे अनसोल्ड हो चुका है। अब बात हो पहले राउंड की या फिर एंड की राउंड की बात हो, यहाँ पे दोनों ही राउंड में यहाँ पे जयदीप अनसोल्ड हो गए। पटना पायरेट्स के एक बहुत ही अच्छे डिफेंडर थे, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे किसी टीम ने क्यों इन पे बिड नहीं लगाया। इन पे तो लगभग यहाँ पे एक दो यहाँ पे 20 लाख तक तो यहाँ पे बिड लग ही सकती थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लिस्ट में सातवें नंबर पे नाम निकल के आता रन सिंह का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रन सिंह भी अनसोल्ड हो गए। यहाँ पे जब कैटेगरी ए का यहाँ पे डे टू में जब कैटेगरी ए का यहाँ पे जब ऑक्शन हो रहा था उसी दिन यहाँ पे रन सिंह अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आज के दिन भी यहाँ पे जब लास्ट राउंड किया गया उसमें भी रन सिंह अनसोल्ड हो गए एंड यहाँ पे सीजन 8 में हमें रन सिंह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब इसकी क्या वजह है कि ये अनसोल्ड रहे, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बहुत ही जल्दी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। लिस्ट में आठवें नंबर पे नाम निकल के आता है कासलिंग अटके का। जी हाँ दोस्तों, कासलिंग अटके प्रो कबड्डी सीजन 7 के ऑक्शन में भी अनसोल्ड थे एंड यहाँ पे अगेन प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में भी यहाँ पे कासलिंग अटके अनसोल्ड हो गए। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी टीम को तो यहाँ पे इनको मौका देना चाहिए था, यहाँ पे मे भी क्या पता अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे, लेकिन यहाँ पे किसी टीम ने इन पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड यहाँ पे अनसोल्ड कासलिंग अटके हो गए। फिर दोस्तों, यहाँ पे नवे नंबर पर नाम निकल के आता है विकास काले का। विकास काले भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे इन पे किसी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में विकास काले भी यहाँ पे अनसोल्ड हो गए एंड यहाँ पे लिस्ट में सबसे लास्ट में नाम निकल के आता है नीलेश सालुके का। अब नीलेश सालुके लास्ट सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से खेले थे एंड यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने इनको रिलीज कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कोई टीम इंटरेस्ट दिखा सकती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड नीलेश सालुके जैसा खिलाड़ी भी यहाँ पे सीजन 8 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो गया। तो गाइस, यहाँ पे बहुत शॉकिंग नाम है जो यहाँ पे सीजन 8 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो गए। अब यहाँ पे जो लास्ट राउंड में था उसमें तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे जो अनसोल्ड थे वो यहाँ पे किसी टीम ने खरीद लिया, नहीं तो यहाँ पे और भी बड़े बड़े नाम थे जो यहाँ पे अनसोल्ड हो सकते, जैसे कि मनजीत चिल्लर हो गए और भी सारे प्लेयर्स थे, लेकिन यहाँ पे फाइनली लास्ट राउंड में उन पे किसी टीम ने इंटरेस्ट दिखा दिया एंड अपने टीम में वापस ले लिया एंड यहाँ पे जो बचे प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए जिनका किस्मत अच्छा नहीं था। तो गाइस, आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन से प्लेयर को यहाँ पे मौका देना चाहिए था टीम्स को, कि यहाँ पे लगभग एक दो बिट तो लगा ही सकती थी, आपको क्या लगता है इसके बारे में एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको थोड़ी ही पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।